राघोपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के शासनकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को नालंदा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि यदि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उस बयान पर भी जोरदार हमला बोला, जिसमें नित्यानंद राय ने दो दिन पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में राजद की सरकार बनने पर कश्मीर में आतंकवादी पनाह लेने वाली विवादित बयान दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगार का आतंक एनडीए सरकार की देन है, शिक्षा और चिकित्सा में कोई काम नहीं हुआ है, अभी भी किसान और गरीब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दावा करते हुए कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है और राजद की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने पर मुहर लगाई जाएगी। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे नियोजित शिक्षकों को भी राहत देने की बात कही है। अपने तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रताप यादव भी मौजूद थे। नित्यानंद राय ने कहा कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आतंक्यों को शरण मिलेगी बिहार में। बेरोजगारी के आतंक को किसने फैलाया 15 साल, किसने बेरोजगार किया, गरीबी के आतंक को किसने फैलाया, भुखमरी है अभी भी बिहार में। मुद्दे पे बात हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एक पांव पे बिहार के लोग खड़े हैं और नीतीश कुमार जी के प्रति काफी नौजवानों में खास तौर पे आक्रोश है। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोग निराश है नीतीश कुमार जी से। इस बार मन बना लिया है कि जो डबल इंजन की सरकार ने जो धोखा दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, आप देखिएगा भेदभाव किया गया। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रह गए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं किया। तो बिहार के लोग जो इतना देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी है तो बिहार में है। हमने पहले भी कहा था बिहार के लोग, बिहार जो प्रदेश है वो सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, और इस बार लोगों को युवा सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए। तेजस्वी जी, 2000 भरोसा है बिहार।